नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियां। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस पर ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, कहा अगर पुलिस नहीं कर पाई सॉल्व तो हम CBI को सौंपेंगे केस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कैदियों की रिहाई के मामले में लगाई फटकार, कहा हमारे आदेशों का क्यों नहीं हो रहा पालन। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूजा खेड़कर को दी बड़ी राहत, 21 अगस्त तक गिरफ्तारी पर लगी रोक। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी ने बनाई नई रणनीति, सीट बंटवारे को लेकर फडणवीस को मिली बड़ी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले समेत 20 नेताओं के फोन हैक, सुप्रिया सुले की लोगों से अपील, कहा लोग उन्हें फोन या मैसेज ना करें। दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी में किसी प्रकार का कोई हतोत्साहन था, लेकिन सभी में गुस्सा था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई हतोत्साह था, बल्कि गुस्सा और दृढ़ संकल्प था। संकट के इस समय में कोई टूटा नहीं, कोई भटका नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आप सरकार एक ऐसी सरकार है जो संकट के समय में भी दिल्ली के लोगों के लिए सबसे अधिक काम कर रही है। देश में ऐसी कोई सरकार नहीं। आपका नेतृत्व अपने सबसे महत्वपूर्ण दौर से गुजरा। अब मैं बाहर आ गया हूँ, अरविंद केजरीवाल भी जल्दी बाहर आएंगे, लेकिन इस महत्वपूर्ण समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी के नेताओं, देश की जनता, दिल्ली की जनता ने जबरदस्त एकता दिखाई और यही एकता हमारी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है, जिसके बाद सीएम केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। वहीं इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन CBI की गिरफ्तारी के चलते उनकी बेल नहीं हो सकी। आपको बता दें कि 5 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की CBI की ओर से की गई गिरफ्तारी को वैध बताया था और कोर्ट ने कहा था कि ना तो केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ना ही बिना कारण है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने SC ST आरक्षण कोटा में कोटे को लेकर 11 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए बीजेपी की चालबाजी बताया है। अखिलेश यादव ने 11 दिन बाद SC ST आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया और इसे बीजेपी की चालबाजी बताया। उन्होंने कहा कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव सपा को मंजूर नहीं है। सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में अखिलेश ने आरक्षण को प्राणवायु और संजीवनी बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विघटन। अखिलेश ने आगे लिखा कि अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पार्टी नहीं जा सकती। वहीं आरक्षण को सशक्त बनाने की जरूरत है, न कि इसके प्रावधानों में बदलाव करने की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ अपराध को अंजाम दिया गया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया, जिसके बाद डॉक्टर की हत्या कर दी गई, जिसके चलते पूरे देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ये अपराध अंजाम दिया गया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि पुलिस जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करे और आगे कहा कि अगर इस केस को हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम ये केस CBI को सौंप देंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने बीते दिनों 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर सड़कों के निर्माण की मांग की है। केंद्र सरकार ने बीते दिनों 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी थी। इसमें उत्तर प्रदेश से जुड़ी 3 सड़क परियोजनाएं शामिल थी। केंद्र सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया जब बजट में उत्तर प्रदेश की अनदेखी का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया गया था, लेकिन अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के सामने नई मांग रख दी है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले से स्वीकृत और नए निम्नलिखित एक्सप्रेसवे और सड़कों का निर्माण कराने की कृपा करें, जिसमें NHAI द्वारा स्वीकृत संरेखण इटावा उत्तर प्रदेश और कोटा राजस्थान को जोड़ने वाले 408.77 किलोमीटर लंबे चंबल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा किया जाए।
विवादों में फंसी महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र की बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेटकर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने पूजा पर फर्जी तरीके से सिविल सेवा परीक्षा पास करने का मामला दर्ज किया है। वहीं पूजा खेटकर की अग्रिम जमानत याचिका पर नोटिस करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए कोर्ट की राय है कि याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट पूजा खेटकर की जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई करेगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पूजा खेटकर को जांच में सहयोग करना होगा। जस्टिस प्रसाद ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि पूजा खेटकर की हिरासत की क्या जरूरत है, जबकि इस पूरी घटना में कोई और शामिल नहीं है और सब कुछ उनके द्वारा ही करने का आरोप है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सेबी मामले को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि महेश जेठमलानी सेबी के चेयरपर्सन को बचाने के लिए संविधान के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महेश जेठमलानी कौन है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बात करने की उनकी हैसियत क्या है, अगर कहीं कुछ नहीं है तो इसकी जांच हो जाए। महेश जेठमलानी भाजपा के सदस्य हैं और बीजेपी के सदस्य सेबी की चेयरपर्सन और अडानी को बचाने का प्रयास कर क्यों रहे हैं? आखिर अडानी की कंपनी में क्या हिस्सेदारी है इनकी, क्यों वो संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं? हमारा कहना है कि इस रिपोर्ट में कुछ नहीं है तो जेपीसी कराइए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाड़े के टट्टू को ले लाकर हम लोगों के सामने खड़ा कर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों में हुई राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि भाड़े के टट्टू लाकर हम लोगों के सामने खड़े किए जा रहे हैं, हम लोग भी करेंगे। वहीं ये सारा तमाशा दिल्ली से हो रहा है। इससे पहले उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमले को लेकर संजय राउत ने कहा था कि दिल्ली के अहमद शाह अब्दाली ने हमारे खिलाफ सुपारी दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। मर्द हो तो सामने आकर हमला करो, डरते क्यों हो और मुख्यमंत्री गुंडागर्दी की बात करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। इसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।